हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं आलू का पराठा। बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि आज हम आलू का पराठा ढाबा स्टाइल से बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आलू का लच्छा पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का लच्छा पराठा। आलू का लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को लगा लेंगे। आटे का हमें सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट नहीं लगाना है। आटा लगभग लग चुका है, हमने थोड़ा सा तेल डाल करके आटे को इसमें मिक्स कर दिया है ताकि इससे थोड़ी चिकनाई आ जाए। अब हम आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच के आसपास धनिए के बीज, 8 से 10 हमने काली मिर्च ली है, छोटा आधा चम्मच हमने ली है अजवाइन, छोटा 1 चम्मच हमने लिया है जीरा और छोटा 1 चम्मच के आसपास हमने ली है सौंफ। मेरे पास पिसी हुई सौंफ है तो हमने पिसी हुई ली है, अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत भी ले सकते हैं। सभी मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सभी मसालों का कलर चेंज हो गया है और देखिए धुआं निकलने लग गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और मसालों को ठंडा होने देंगे। सेके हुए मसाले को मैं सभी को मसाला कूटने वाले में ट्रांसफर कर लूंगी। आप चाहें तो जार में डाल के भी पीस सकते हैं। सभी मसालों को हमने दरदरा पीस लिया है। आइए आलू का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे मीडियम साइज के 5 आलू बॉईल करके रखे हैं। आइए मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे तैयार किए हुए मसालों को आलू में डाल देंगे। अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, छोटा आधा चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर कम डाला है क्योंकि हमने यहाँ पे काली मिर्च यूज में ली है। साथ ही हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 5-7 पत्ते पालक के साफ करके रखे हैं, ये भी हम इसमें बारीक बारीक कट कर देंगे। पालक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और पता भी नहीं चलता है कि हमने इसमें पालक डाला है। और थोड़ी सी हम इसमें अदरक कद्दूकस कर देंगे। ढाबे वाले आलू के लच्छादार पराठे बनाने जा रहे हैं। अब इसमें हम एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज डाल रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिया है प्याज। इसके 2 पीस कर लिए हैं, आधा प्याज मैं इसमें बारीक बारीक कट कर दूंगी क्योंकि जब ढाबे वाले आलू का पराठा बनाते हैं तो उसमें प्याज जरूर डालते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। प्याज कट कर लिया है, अब हम आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। सभी आलू देखिए मैंने इस तरह से तोड़ लिए हैं और मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ढाबे वाले आलू के लच्छा पराठा बनाने के लिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम डाल देंगे 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। ये देखिए अमचूर पाउडर भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आइए अब फटाफट से हम लच्छा पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। अब हम आटे को 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। बराबर बराबर 2 पीसेस में हमने इसको देखिए डिवाइड कर लिया है। आइए बेलना स्टार्ट करते हैं। चॉपर बोर्ड पे मैंने आटे से डस्टिंग कर दी है। देखिए हमने आटे की लोई को पतला और बड़ा बेल लिया है। देखिए बहुत ज्यादा नहीं, मोटा बेलना है हमें। अब हम ऑयल लगा देंगे।
ऑयल या घी या बटर जो भी आप पसंद करते हैं वो आप लगा लीजिए। ऑयल लगाने के बाद हमने लिया है गेहूं का आटा, इसको हल्का सा इस पे इस तरह से डस्ट कर देंगे। अब इसको एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है, तैयार कर लिया है। अब जो साइड है वो उसकी हम कट कर देंगे। साइड्स मैंने कट इसलिए की हैं क्योंकि जो साइड में है वो बहुत ज़्यादा पतला है, इसलिए हमने साइड कर दिए ताकि हम पराठा बनाएं तो वो लोई जो हमारी है वो पतली ना रहे। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने पीस कट कर लिए हैं और अब इस पीस को हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे ताकि क्या है कि जो हम लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं उसमें एक एक लेयर खुल करके आए। हाथ से ही इसको इस तरह से फैला लेना है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ, सभी लेयर अच्छे से नजर आ रही हैं। आइए पराठा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लगा लिया है, लोई को पूरी जितना हमें बेल लेना है। हमने दोनों लोइयों को पूरी जितना बेल लिया है। अब हम लेंगे आलू की स्टफिंग, इसको अच्छी तरह से बीच में फिल कर देंगे। रेसिपी बहुत ही शानदार है और पराठा बनने के बाद बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगेगा। आप रेसिपी को एक बार ट्राई करके जरूर देखें। अब हल्का सा हम इसमें आटा ऊपर से इस तरह से डाल देंगे ताकि जो पूरी हमने बनाई है ये चिपके नहीं, और साइड से अच्छी तरह से इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे ताकि खुले नहीं। ये देखिए वापस से मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लगाया है, दोनों तरफ लगा रही हूं। अब आहिस्ता से हम पराठे को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, आइए पराठा सेकना स्टार्ट करते हैं। तवा गर्म हो चुका है, पराठे को हम तवे पर डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर सिकने देंगे। साइड चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी हमारा पराठा सिक चुका है, आइए ऑयल लगा लेते हैं। देखिए ऑयल मैंने इस तरह से लगा दिया है घुमा घुमा करके सब तरफ से। देखिए कितना बढ़िया से हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गर्मा गर्म पराठे को सर्व कर देंगे और सभी पराठे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ढाबा स्टाइल आलू का लच्छा पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है और बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार हुआ है। अब हम सभी पराठे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। हमारे ढाबा स्टाइल आलू के लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी है और हमने सर्व भी कर दिया है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।